तो गाइस ये है मिस्टर शत्रुघ्न। बड़े लोगों को तो हर कोई सुनना चाहता है क्योंकि वो अपने मुकाम पे पहुंचे होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता है। मॉर्निंग गाइस, तो मैं आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ, छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़े चीज़ का सृजन होता है, उसका जनक होता है। तो अगर आप शुरुआत की चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप आगे की चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं, बिहार से केरला का सफ़र इनका कैसा रहा, ये कब अपना सफ़र शुरू किए थे और क्या क्या इनको यहाँ पर दिक्कतें आई, तो मैं शुरू से जानने का कोशिश करूँगा। तो मिस्टर शत्रुघ्न जी, आप बताने का कोशिश कीजिए इस कैमरे में कि आपने बिहार से केरला क्यों आया और कब आया था। बिहार में रह कर के कुछ ऐसा हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी चलता रहा तो कुछ विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सोचे कि कुछ बाहर जाके के कुछ कमा करके फिर। तो आपको कैसे पता चला कि केरला आकर के कुछ काम मिल सकता है? आपने किसे मतलब कि कोई तो लिंक होगा जिसके थ्रू आप केरला आने का सोचे होंगे? कोई लिंक नहीं था, लेकिन मजबूरन ये था कि बाहर नहीं जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना ये कैसे ठान लिया कि केरला ही वो जगह है जहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? ये सोच करके केरला आया कि मैं बिहार से इतना दूर चला जाऊँगा कि फिर बिहार लौट करके आने के लिए हमको सोचना पड़े, इसलिए मैं इतना दूर चुना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने केरला आने का ही निर्णय कैसे लिया, केरला के बारे में आपको किसने बताया कि आप केरला जा करके वहाँ कुछ कर सकते हैं? नहीं, केरला के बारे में कोई नहीं बताया था, लेकिन बट हम जहाँ रहते थे वहाँ से परेशान होकर के मैं सोचा इतना दूर चला जाऊँगा कि फिर इधर रिटर्न आने के लिए सोचना पड़े। अच्छा, मतलब बेसिकली ये अपने लाइफ से इतना दुखी हो गए थे कि उस एरिया में रहना ही नहीं चाहते थे और ये इतना दूर चले जाना चाहते थे कि लोग वहाँ तक जा ना पाए और ना ही ये खुद लौट करके अपने घर को आ सके। जब आदमी दुखी हो जाता है अपने लाइफ से तो वो चाहता है कि या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं या ऐसे जगह चला जहाँ मुझे कोई नहीं जानता है। तो इनको ये केरला ही एक ऐसा जगह समझ में आया जहाँ ये अपने लाइफ को शुरू कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि केरला में आकर के सर्वप्रथम आपने कहाँ रुका और कहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? मैं आकर के स्टेशन पर रुका था, स्टेशन पर रुकने के बाद हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि रूम ले सके। स्टेशन पर रुकने के बाद फिर कुछ दिन काम करने, स्टेशन पर सोते थे, काम करते थे, करते करते काम के मतलब जैसे आपको काम कैसे मिला, फर्स्ट काम कैसे मिला? लेबर चौक पर इधर मालूम करने गए कि किधर से काम मिलता है, तो बगल में लेबर चौक मिला और उधर मैं गया, उधर से काम मिला, नेवी में 4-5 दिन काम किए। हाँ, तो आपने सर्वप्रथम आपने मजदूरी का काम सुना क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास मजदूरी का काम मिल जाता है, लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जिनको भी मजदूर की ज़रूरत होती है, काम कराने वालों की ज़रूरत होती है, जैसे कोई भी प्रकार का काम करवाना हो, मजदूरी करवाना हो, तो वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ से डेली बेसिस पे काम मिल जाता है, छोटा मोटा काम। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी शुरुआत वहीं से की, उन्होंने सबसे पहले तो पता किया कि यहाँ पर काम कहाँ मिलेगा, तो इनको किसी ने सलाह दिया कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से मजदूर के रूप में आपको काम मिल जाएगा। फिर उनको कुछ काम मिला और ये देखिए हमारे जस्ट पीछे नेवी के यार्ड हैं, तो इस नेवी के एरिया में इन्होंने जाकर के कुछ दिनों के लिए काम किया। ठीक, उसके आप उसके आगे फिर क्या हुआ? उधर रेलवे स्टेशन के बगल में ही GCDA का ही सिक्योरिटी रहता था, उससे मिलने के बाद हमको गार्ड का नौकरी। मतलब आपने एक सिक्योरिटी से मिला और उनसे बात किया कि आप ये गार्ड का काम करना चाहते हैं, तो इसका क्या क्या प्रोसीजर है, फिर आप उनसे हेल्प लेकर के आपने ये गार्ड का काम किया। तो अब कब से काम कर रहे हैं इस मैदान में? इस मैदान में 7-8 से ज़्यादा हो गया, साल भर के आसपास होने जा रहा है। और आपको कितने पैसे मिलते हैं अभी इस मैदान में सिक्योरिटी करने? 17,000 का मंथ। तो गाइस ये समझ लीजिए इनको अभी फ़िलहाल 17,000 रुपया पर मंथ मिलता है इस मैदान का सिक्योरिटी। छोटा सा मैदान है, देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। तो इनको 12 घंटा का ड्यूटी करने पड़ते हैं जिनके लिए इनको यहाँ पर 17,000 मिलते हैं। और बेसिकली इनका काम है यहाँ का सिक्योरिटी देना, मतलब कोई भी बाहर के लोग आकर के यहाँ कुछ अनाप शनाप गंदा ना करे, मैदान को साफ़ सुथरा रखे, और कोई अगर किसी तरह का कोई अलग एक्टिविटी होती है तो उनको ये मना करते हैं, इनका बस इतना ही काम है। तो काम ख़राब नहीं है, काम छोटा हो बड़ा हो अपनी जगह पर सब काम बहुत अच्छा है। तो ये कुछ पैसा जमा किए हैं तीन से चार साल लगभग इन्होंने यहाँ पर बिताया और ये छोटे जॉब जिसको आप हम लोग समझते हैं गार्ड की नौकरी, इनसे इन्होंने कुछ 1-2 लाख रुपये जमा किए और उनसे एक छोटा सा घर बनाएंगे और उसके बाद ये शादी विवाह करने के बाद और फिर से अपना बिहार। वो कहते हैं ना कि जन्म स्थल सबसे मेन स्थल था, जहाँ आप जन्म लेते हैं वही जगह आपको सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा लगता है। तो इनका आज भी सपना है कि ये अपने शहर में ही जाकर के अपना लाइफ को अपने परिवार के साथ बिताएं। तो बने रहिए, जय हिंद।